जिंदा मुस्लिम कब्रिस्तान में तामीरात काम का आगाज। आमदार फारूक शाह ने किया इफ्तिताह। धूलिया नया मुस्लिम कब्रिस्तान वर्जीई रोड धूलिया में मुस्लिम कब्रिस्तान चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत 50 लाख रुपए के खतीर फंड से तामीरी कामों का आगाज हुआ, जिसका इफ्तिताह आमदार ने किया। इस मंसूबे में कब्रिस्तान के अंदर रास्तों की तामीर, हाई मास्ट लाइट की तंसीब और देगर जरूरी तामीरात शामिल हैं। कब्रिस्तान के ट्रस्टियान ने आमदार फारूक शाह से उन तामीराती कामों के लिए दरख्वास्त की थी, जिस पर उन्होंने अपने मकामी तरक्याती फंड से 50 लाख रुपए मुख्तस किए। इफ्तिताही तकरीब में नया मुस्लिम कब्रिस्तान ट्रस्ट की जानिब से आमदार फारूक शाह का परजोश इस्तकबाल किया गया और उनका शुक्रिया अदा किया गया। इस तकरीब में आमदार फारूक शाह के साथ कब्रिस्तान के ट्रस्टियान और देगर जिम्मेदारान में हाजी शाबान हफीज सेठ, हाजी जावेद मेकानक, हाजी कलाम रहमत अल्लाह सेठ, हाजी पपो सेठ, हाजी जलील फरहाद सेठ, जाहिद सर डॉक्टर सरफराज, बलाल अहमद छोटो हाफिज, यूसुफ पापा सर, अकील अहमद, इंसारी और मजलिस इतिहाद अल मुस्लिमीन के अहम अराकीन भी शरीक थे। आज बड़जई रोड पर नया मुस्लिम कब्रिस्तान, जिस कब्रिस्तान के रास्तों का तामीरी काम का इफ्तिताह आज मेरे हाथों से किया गया है। इस काम के लिए हमारे इस कब्रिस्तान के जो अध्यक्ष है ट्रस्ट के, हमारे शाबान भैया, उसी तरह से हमारे साथी जाहिद सर, पापा सर, इस इलाके के नगर सेवक आमिर पठान, उसी तरह से जलील भाई माजी नगर सेवक, और कई लोगों ने मुझसे इस काम के लिए ख्वाहिश जाहिर की थी और उसके मुताबिक मैंने अल्पसंख्यक विभाग से 50 लाख रुपए का फंड मंजूर किया था। आज उसी काम का इफ्तिताह मेरे हाथों अमल में आया है। इस वक्त मेरे साथ हमारे रहनुमा, हमारे मौली शकील अहमद साहब, सुजेल भैया, उसी तरह से निजाम दादा सैयद, इकबाल भाई शाह, अनीस भाई शाह और बहुत सारे लोग इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं।